Namo Vitragai. Namo Vitragai. Namo Arihantanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Siddhanam. Namo Ayarhiyanam. Namo Ayarhiyanam. Namo Vasayanam. Namo Vasayanam. Namo Loe Sabha Sahunam. Namo Loe Sabha Sahunam. Aiso Pancha Namukaro. Aiso Pancha Namukaro. Sabha Pabhapanasano. Mangala Nancha Sabvesi. Mangala Nancha Sabvesi. Padamam Havai Mangalam. Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Pratyaksh Dada Bhagavani Sakshiye. Pratyaksh Dada Bhagavani Sakshiye. Vartmane Mahavidya Kshetrama Vicharta. Vartmane Mahavidya Kshetrama Vicharta. Tirthankar Bhagavan Sri Simandhar Swami ne. Tirthankar Bhagavan Sri अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छु अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छु वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान ने वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छु अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छु 33 कोटि देवी देवताओं ने 33 कोटि देवी देवताओं ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छु अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छु वितराग शासन देव देवियों ने वितराग शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छु अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छु निष्पक्षपाती शासन देव देवियों ने निष्पक्षपाती शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छु अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छु आ क्षेत्रना रक्षक देवी देवताओं ने आ क्षेत्रना रक्षक देवी देवताओं ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छु अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छु अखा ब्रह्मांड ना जीव मात्र ना रियल स्वरूप ने अखा ब्रह्मांड ना जीव मात्र ना रियल स्वरूप ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छु अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छु जगत भर ना संत पुरुषों नु योग बल जगत भर ना संत पुरुषों नु योग बल जगत भर ना संत पुरुषों नु योग बल अने प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान नु योग बल अने प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान नु योग बल समस्त विश्व नु कल्याण करो कल्याण करो कल्याण करो समस्त विश्व नु कल्याण करो कल्याण करो कल्याण करो अने कल्याण करवानु निमित्त बनवानी अने कल्याण करवानु निमित्त बनवानी हम सब महात्माओं ने हम सब महात्माओं ने परम शक्ति आपो शक्ति आपो शक्ति आपो परम शक्ति आपो शक्ति आपो शक्ति आपो जगत ना सर्व जीवो सुख अने शांति ने पामो जगत ना सर्व जीवो सुख अने शांति ने पामो जगत ना सर्व जीवो समाधान ने पामो जगत ना सर्व जीवो समाधान ने पामो जगत ना सर्व जीवो मोक्ष ने पामो जगत ना सर्व जीवो मोक्ष ने पामो जगत कल्याण हो 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 निज स्वभाव से सद्गुरु निज स्वभाव से सद्गुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ है अगुरु लघु सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चयवन्ये सत्यम निश्चयवन्ये तैत्रिश कोटि देवगा तेत्रिश कोटि देवगा विश्वहितार्थे स्वागतम विश्वहितार्थे
कल्याणक यज्ञ में जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय द्यो आशीषम मंगलमय द्यो आशीषम सिद्ध स्वरूपी मूर्त मोक्ष सिद्ध स्वरूपी मूर्त मोक्ष गलते भूल को माफ जो गलते भूल को माफ जो व्यवहारे सदबुद्धि हो निश्चय में अभिवृद्ध दो निश्चय में अभिवृद्ध दो निश्चय में अभिवृद्ध दो निश्चय में अभिवृद्ध दो जय सच्चिदानंद 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 हे श्री पद्मावती माँ हे श्री पद्मावती माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ हमें आपने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करी हमें आपने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करी अने प्रार्थना करी छे के अने प्रार्थना करी छे के हम सर्वे महात्माओं ने हम सर्वे महात्माओं ने मोक्ष मार्ग ने लायक मोक्ष मार्ग ने लायक अने सहायक संजोगो अने सहायक संजोगो प्राप्त थाओ प्राप्त थाओ प्राप्त थाओ प्राप्त थाओ प्राप्त थाओ प्राप्त हे अम्बे माँ हे अम्बे माँ हे श्री भद्रकाली माँ हे श्री भद्रकाली माँ हमें आपने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करी हमें आपने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करी अने प्रार्थना करी छे के अने प्रार्थना करी छे के प्राप्त मन वचन काया थी प्राप्त मन वचन काया थी आ जगत ना कोई पण जीव ने आ जगत ना कोई पण जीव ने किंचित मात्र पण दुख न थाय किंचित मात्र पण दुख न थाय देवी स्याद्वाद वाणी देवी स्याद्वाद वाणी स्याद्वाद वर्तन स्याद्वाद वर्तन अने स्याद्वाद मनन करवानी अने स्याद्वाद मनन करवानी परम शक्ति आपो परम शक्ति आपो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद ज्ञानी पुरुष न दर्शन थी ज्ञानी पुरुष न दर्शन थी पापो भस्मी भूत थई जासे पापो भस्मी भूत थई जासे अंतर ठारक आ मोक्ष मूरत अंतर ठारक आ मोक्ष मूरत विदेह थी मोक्षे लई जासे विदेह थी मोक्षे लई जासे महतत्वनी उपलब्धि थाता महतत्वनी उपलब्धि थाता मुक्ति
सुख जीवतावर ताता मोक्ति सुख जीवतावर ताता जग विस्मृत कर सिद्ध सत संगमा जग विस्मृत कर सिद्ध सत संगमा भव भवना पाप बड़ी जाता भव भवना पाप बड़ी जाता निकाली अवस्थे तीव्र करम निकाली अवस्थे तीव्र करम रूप सुख दुख भ्रांति ओगड़ से रूप सुख दुख भ्रांति ओगड़ से कुदरती रचना ज्ञाता थई कुदरती रचना ज्ञाता थई खरी पड़से नियो परमाणु खरी पड़से ज्ञानी पुरुष नादरसन थे ज्ञानी पुरुष नादरसन थे पापो भस्मीभूत थई जासे पापो भस्मीभूत थई जासे परमानंदी ज्ञाता द्रष्टा परमानंदी ज्ञाता द्रष्टा चे सिद्ध सम प्रत्येका जीवमा चे सिद्ध सम प्रत्येका जीवमा ज्ञानी कृपे सुदात्मा लक्ष ज्ञानी कृपे सुदात्मा लक्ष जड़ियों तेना बंधन टूटता जड़ियों तेना बंधन टूटता सहुने मर जो मोक्ष मिलन सबुने मर जो मोक्ष मिलन जग कल्याणक सुख विधाता जग कल्याणक सुख विधाता सहु मंगल मा प्रत्यक्ष सहु मंगल मा परतम मंगल सहु मंगल मा परतम मंगल प्रत्यक्ष प्रगट ज्ञानी पासे प्रत्यक्ष प्रगट ज्ञानी पासे ज्ञानी पुरुष नादरसन थे ज्ञानी पुरुष नादरसन थे पापो भस्मीभूत थई जासे पापो भस्मीभूत थई जासे भीतर बाहर अद्भुत शांति भीतर बाहर अद्भुत शांति ने देह पड़ोसी जम भासे ने देह पड़ोसी जम भासे
विनाशी चीज ना मोह जता विनाशी चीज ना मोह जता निज आत्मानंद स्वरूप लाधे निज आत्मानंद स्वरूप लाधे सर्वांगे सात्विक शुद्ध उपयोग सर्वांगे सात्विक शुद्ध उपयोग सीतारत अमरत टपकंते सीतारत अमरत टपकंते निधि ध्यास रहो स्वाचो स्वासे निधि ध्यास रहो स्वाचो स्वासे माण्यु मुक्ति सुख त्रि सांजे माण्यु मुक्ति सुख त्रि सांजे ज्ञानी पुरुष ना दर्शनति ज्ञानी पुरुष ना दर्शनति पापो भस्मी भूत थई जासे पापो भस्मी भूत थई जासे अंतर ठारक आमोक्ष मुरत अंतर ठारक आमोक्ष मुरत विदेहति मोक्षे लई जासे विदेहति मोक्षे लई जासे विदेहति मोक्षे लई जासे विदेहति मोक्षे लई जासे ज्ञानी पुरुष ना दर्शन थी पापो भस्मीभूत थई जासे। हवे आमां दर्शन शब्द छे इम्पोर्टंट छे। दर्शन एटले आँख थी देखाय ते नहीं, शुं कीधुं? आँख थी देखाय ते ने दर्शन ना कहेवाय। ज्ञानी पुरुष ने दशा थी ओळखीए तेने दर्शन कहेवाय। दशा एटले एमनी वितरागता, एमनी मुक्तता, એમનો સમભાવ સ્વભાવ, એમની નિર્વિચાર દશા, નિર્વિકલ્પ દશા, આ બધી દશા આપણને એમનામાં દેખાય એને દર્શન કહેવાય। આકાર દેખાય એને દર્શન ના કહેવાય। ના સમજાયું? આકાર તો બધાને દેખાય, આકાર જોવામાં જ્ઞાનની જરૂર ક્યાં છે? છે જરૂર આકારને, એ તો પ્રાણીઓને ના દેખાય આકાર। आकार देखा है ना, दर्शन की बात का दर्शन करने से पापो भस्मीभूत होता है। उसका कहने का मतलब क्या है? उसकी आंखों से देखने से पापो भस्मीभूत नहीं होते हैं। उनकी दशा की अनुभूति हमको समझ में आनी चाहिए, उसको दर्शन कहते हैं। भले अनुभव में नहीं आए, समझ में तो आनी चाहिए ना कि भाई ज्ञानी पुरुष इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान, उनका दर्शन, उनका चारित्र वो शुद्ध है, वो निष्पक्षपाती है, वो वितराग है, वो निर्विकल्पी है, वो हर समय संभाव में रहते हैं, वो प्रकृति होते हुए भी वो परमात्मा में रहते हैं, हर जीव में वो शिव देखते हैं। ये उनकी जो दशा है, ये दशा हम जो समझते हैं, ये समझ के साथ उनका दर्शन करें, ये दर्शन से पापो भस्मीभूत। खाली आंखों से देखने से नहीं होते, तो ये कहने का मतलब है। महातत्वनी उपलब्धि थता मुक्ति सुख जीवता वर्ताता। आ महातत्वनी उपलब्धि थता एटले शुं कहेवाय? महातत्व कोणे कीधुं? નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું, એ મહાતત્વ છે, મોટામાં મોટું તત્વ।
મુક્તિ સુખ જીવતા વર્તા થાય. એટલે શું કહે છે કે પોતાના મહાતત્વની ઉપલબ્ધિ, ઉપલબ્ધિનો મતલબ થાય અનુભવમાં આવતા, ખાલી સમજણમાં નહીં પણ અનુભવમાં આવતા. મુક્તિ સુખ જીવતા વર્તા થાય એટલે મન વચન કાયારૂપી જે જીવન છે એમાં પણ એને મુક્તતાની અનુભૂતિ થાય છે. એટલે મુક્તિ સુખ જીવતા વર્તા હતા એટલે મુક્તિ સુખ વર્તાય છે. મુક્તિ, આ મુક્તિ શબ્દ છે ને એ બંધનવાળા ભાગથી મુક્ત રહેવું એને મુક્તિ કહે છે. મુક્તિ એટલે ઘર બાર છોડી દેવા એને મુક્તિ ના કહેવાય. મન વચન કાયા જે બંધનવાળા છે એનાથી મુક્ત રહેવું એનું નામ મુક્તિ. એ પહેલી મુક્તિ, ખ્યાલ આવ્યો ને. આ જગતમાં મન વચન કાયા પોતે એ જ મોટો મોટું વર્ગણ છે અને એ વર્ગણની સાથે કર્મોના ભોગવટાનું વર્ગણ જોડાયેલું છે. આ ના હોય તો કર્મ કેવી રીતે હોય? શરીર છે તો જ કર્મ હોય ને. શરીર ના હોય તો કર્મ હોય ના હોય? એટલે શરીર છે તો કર્મ છે. એટલે મોટામાં મોટું વર્ગણ આ અને પછી બીજું વર્ગણ કર્મનું. આ આ બંનેનું વર્ગણ હોવા છતાંય જેને મુક્તતાની અનુભૂતિ થાય છે તે મુક્ત. મહાતત્વની ઉપલબ્ધિ થતા મુક્તિ સુખ જીવતા વર્તા હતા એટલે કે આ મન વચન કાયા હોય ત્યાં સુધી જીવતો કહેવાય. એ મન વચન કાયા હોવા છતાંય એને મુક્તતાની અનુભૂતિ થાય. તમારી દ્રષ્ટિમાં તમને સમજાય તો એના અનુભૂતિની શરૂઆત થાય. પણ સમજાય જ નહીં તો કોઈએ કીધું તમે બે જ્ઞાન ઘેર જતા રહે તમને શું અનુભૂતિ થાય? સમજણમાં નથી તો કેવી રીતે થાય? આ કોઈ ચમત્કાર થોડો છે કે? અને એટલું ધ્યાન રાખવાનું કે આધ્યાત્મ કે મુક્તિનો માર્ગ એ ચમત્કાર નથી, એ સ્વ અનુભૂતિનો માર્ગ છે. અને એ સ્વ અનુભૂતિ સાયન્ટિફિકલી જ થાય, થિયોરિટિકલ ના થાય. એટલે ખુદ કે પરમાત્મા કી અનુભૂતિ કરના યે કોઈ ક્રિયા કા ધર્મ નહીં હૈ, યે દ્રષ્ટિ કા સમજ ધર્મ હૈ, યે સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ હૈ, યે ઇનર સાયન્સ હૈ, યે આઉટર સાયન્સ નહીં હૈ. યુ કેન રિયલાઇઝ ઇટ બટ યુ કેનોટ સી, બટ યુ કેન રિયલાઇઝ ઇટ. જૈસે એચ ટુ ઓ સે પાણી હોતા હૈ તો હમકો તો એચ ટુ ઓ દિખતા નહીં હૈ મગર પાણી દિખતા હૈ ને. મગર હમ સમજતા હૈ કે પાણી કૈસે હોતા હૈ સાયન્ટિફિકલી તો કે એચ ટુ ઓ સે પાણી હોતા હૈ યે સાયન્સ હમને જાના હૈ. તો પાણી જબ ગિરતા હૈ તબ નહીં દિખતા હૈ? દિખતા હૈ? એચ ટુ ઓ દિખતા હૈ? નહીં દિખતા હૈ. તો એચ ટુ ઓ સાયન્સ હૈ. ઓર સાયન્સ કા રિઝલ્ટ ક્યા હૈ? પાણી. મગર હમકો માલુમ હૈ કે એચ ટુ ઓ સે પાણી હોતા હૈ તો હમારી જો ધાર્મિક માન્યતા કહો, અજ્ઞાન માન્યતા કહો કે યે ભગવાન બારિશ ગિરાતે હૈ, દેવી દેવતા ગિરાતા હૈ, વરુણ દેવતા ગિરાતા હૈ, યે સબ માન્યતા ખત્મ હો જાયેગી જબ એચ ટુ ઓ કા સાયન્સ જાનોગે તબ. ઓર જબ સાયન્સ નહીં હૈ તો શ્રદ્ધા તો રહેગી કે ભગવાન ગિરાતે હૈ, દેવી દેવતા ગિરાતે હૈ. આપ સમજે? તો શ્રદ્ધા ભી હૈ ઓર સિદ્ધાંત ભી હૈ. સિદ્ધાંત વો સનાતન સત્ય હૈ ઓર શ્રદ્ધા વો વ્યક્તિગત સત્ય હૈ. એક વ્યક્તિ બિલીવ કરતે હૈ, એક વ્યક્તિ નહીં ભી કરતે હૈ, તો વો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હૈ. મગર એચ ટુ ઓ સે પાણી હોના વો સનાતન સત્ય હૈ. આપ સ્વીકારો યા ન ભી સ્વીકારો, સનાતન સત્ય વહી રહેગા. આપ નહીં સ્વીકારતે હૈ વો આપકી અજ્ઞાનતા હૈ, ઉસમેં સિદ્ધાંત મેં પરિવર્તન નહીં હોગા. H2O की जो अनुभूति है वो तो हम करते नहीं है और शायद इस लाइफ टाइम में तो कभी कर पाएंगे भी नहीं. ओके
तो ऐसा आत्मा का भी होता है? बताऊं मैं आपको, साइंस जानना उसका मतलब है अज्ञानता का नाश करना। हर बात हर बातों का प्रयोग हम खुद करें ऐसा जरूरी नहीं है, मगर हम समझ सके, इनको दृष्टि में स्वीकार कर सके, इनको फॉलो कर सके और फॉलो करने से उसका अनुभव कर सके, ये काफी है। हर बात का साइंस को रियलाइज करना जरूरी नहीं है, साइंस को जानना जरूरी है। साइंस जानूंगे तभी अज्ञानता निकलेगी। एग्जाम्पल, जैसे हम कहेंगे कि थियरी ऑफ रिवर्स, करेक्ट, तो कोई कहेंगे कि रिवर आप देखते हैं, देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, मगर वी नो द प्रिंसिपल लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर के आधार से हमारा पुनर्जन्म है, कर्म का सिद्धांत है और हम इसको समझ सकते हैं। क्या बताया? हम उसे समझ सकते हैं। हाँ, ये फिजिकल देख नहीं सकते हैं। क्या बताया? फिजिकली देख नहीं सकते, मगर लॉजिकली वी कैन अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट इट, लॉजिकली नॉट रैंडमली। तो इसीलिए हर बात को समझने के लिए पहले लॉजिकल प्रूफ चाहिए। क्या चाहिए? लॉजिकल प्रूफ, जो अपना ब्रेन बुद्धि एक्सेप्ट करे। अगर वो ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे उसको स्वीकार करेंगे? फिर कहेंगे चलो भाई किताब में लिखा है, गुरु ने कहा है, इसीलिए मानते हैं, मगर देयर इज नो प्रूफ। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, हर बात का लॉजिकल प्रूफ तो होना चाहिए, अनुभव भले बाद में होगा, आप समझिए, तभी क्या होगा। इक्वल का मतलब सेम है, पानी कह लो H2O कह लो, ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हुआ? मतलब H2O पानी है, पानी H2O है, तो इसमें H2O इज साइंटिफिक फॉर वाटर, तो सेम चीज है ना। हाँ, तो फिर क्या है? तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कर रहे हम? मतलब आप कहते हो क्या, एक 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 चीज का चार नाम है तो कॉन्ट्राडिक्ट कहेंगे? नहीं, कॉन्ट्राडिक्ट शब्द क्यों, कौन से एंगल से यूज करते हो? मेरे समझ में कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास। ओके, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट, इट मींस के विरोधाभास। आप लेफ्ट में जाते हो, राइट की बात करेंगे तो कॉन्ट्राडिक्ट कहेंगे। यहाँ मैं पानी कहता हूँ, राइट को कहता हूँ, तो वही तो कॉन्ट्राडिक्ट। नहीं नहीं, पहले इतना क्लियर करो कि इसमें कॉन्ट्राडिक्ट कहाँ है। आप मैं आपको चंदू भाई कहूँ या इंसान कहूँ, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्ट। इंसान वो कॉमन चीज है और नाम वो पर्टिकुलर, पर कॉन्ट्राडिक्ट कहाँ है? मैं आपको एनिमल कहूंगा तो कॉन्ट्राडिक्ट होगा, यू आर ह्यूमन एंड एनिमल तो कॉन्ट्राडिक्ट होगा, दो नहीं हो सकता है। एक ही बात है, उसका दो नाम है, तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कहे? एक कहते किशन है, दूसरा कहते कृष्ण है, तीसरा कहते वासुदेव है, तो देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्ट, इट्स अ डिफरेंट नेम, different name to understand the water, scientifically H2O कहेंगे, आम आदमी उसको water कहेंगे। नहीं, मुझे शुरुआत में ऐसे लगा कि आपने कहा कि water दिखता है इसलिए वो सही है, H2O दिखता नहीं है। हाँ, नहीं है। हाँ, right, हाँ, तो फिर तो क्या बताओ ना? शुरुआत में आपने कहा ना, हाँ, मैं वही कहता हूँ कि आपने जो कहा वही मैंने कहा, मगर मैं कहता हूँ कि वेरी द क्वेश्चन, ये मेरी बात है आपको, मैंने शुरुआत में भी कहा, आपने रिपीट किया, वो भी मैं कहता हूँ कि करेक्ट है, तो क्वेश्चन कहा है वो मैं कह, ये आपको प्रश्न करता हूँ, प्रश्न कहा है? H2O नहीं दिखता है, पानी दिखता है, अभी भी कहता हूँ, तो प्रश्न क्या है आपका? क्वेश्चन क्या है वो मैं कहता हूँ। इनिशियली थोड़ा પાણી થાય છે,
मेरी दृष्टि में जो आता है मैं बोलता हूँ कि भाई ये शरीर है और ये पंच महाभूतों का बना है, तो दोनों शरीर, वो शरीर दिखता है लेकिन पंच महाभूत दिखते नहीं है, लेकिन फिर भी पंच महाभूतों के तो ये कई चीजों देखने के लिए थोड़ी अपनी सोच चाहिए, सिंपल नहीं दिखती है। यहाँ भी पंचभूत दिखता है अगर दृष्टि है तो, जैसे पृथ्वी बोलेंगे तो राख बनती है ना, वो पृथ्वी है, वाटर है, पानी है, अग्नि है, तभी डाइजेस्टिंग सिस्टम है, आकाश यानी स्पेस है और हवा है, ये सब चीजें दिखती है, समझ में आती है कि पंचभूतों से बना है ये। आपको जब इफ यू पे अटेंशन यू कैन रियलाइज इट, हर चीज आपको समझने के लिए थोड़ा अटेंशन देना पड़ता है, नहीं तो अज्ञानी लोग क्या कहेंगे। देखो आपके जो भी पूछोगे शरीर कैसे बनाए, तो वेदांत वाले कहेंगे पंचभूतों से, फिर आप कहेंगे पंचभूतों कैसे हैं तो वो नहीं मालूम है, किताब में लिखा है, क्योंकि उसके लिए सोच चाहिए। क्या चाहिए? तो आम लोग तो क्या कहते, दे फॉलो द ट्रेडिशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंड विदाउट लॉजिकल प्रूफ। फिर कभी कोई प्रश्न करेंगे तो बोला आई डोंट नो, वही कहेंगे है ना, क्योंकि उन्होंने तो ब्लाइंडली एक्सेप्ट किया है। उनका कहने का मतलब यह है कि जब रात होता है तो मैं ये कहूंगा कि दिन नहीं है, और दिन होगा तो मैं कहूंगा कि रात नहीं है, मगर ये कहता हूं कि ये दोनों अवस्था है, बस रात भी है दिन भी है, अवस्था है। तो आप कहोगे ये भी स्पेस है वो भी स्पेस है, ये स्पेस में हवा है वो स्पेस में हवा नहीं है, मगर साइंस ऐसा नहीं कहता है कि स्पेस में हवा नहीं है। साइंस कहता है जहां तक एक लेवल होता है वहां तक की जो स्पेस है वहां तो एयर है, इसीलिए तुम सर्वाइव है, और वो स्पेस से बाहर निकल जाओगे तो उस स्पेस में हवा नहीं है। मगर दोनों को क्या कहते हैं? स्पेस। क्या बोलते हैं? स्पेस। उसको आउटर स्पेस बोलते हैं जहां पे हवा नहीं है। वो भी स्पेस, आउट ऑफ स्पेस का मतलब स्पेस ही नहीं है ना, तो स्पेस से बाहर कैसे जाओगे? जब स्पेस ही नहीं है तो हाउ यू कैन एंटर विदाउट स्पेस, हाउ यू कैन एंटर? तो स्पेस है मगर स्पेस की क्वालिटी डिफरेंट है। क्या है? हाँ, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऐसे ऐसे हवा पतली होती है। क्या होती है? पतली होती है। उसे और आगे जाके जाओगे तो जो यहाँ जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह जो है प्रवाह, वो वहाँ नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि जो स्पेस है वो स्पेस के अंदर ये हवा जो है ऐसी हवा वहाँ नहीं है। आप समझे? मगर स्पेस तो है, स्पेस तो हर जगह पे है, स्पेस नहीं है ऐसा नहीं है, आप समझे ना। तो स्वामी, स्पेस का मतलब होता है कोई भी चीज को लैंड लैंड होने की जगह, अगर स्पेस नहीं तो कहां लैंड होगे? कोई भी चीज को छोटी से छोटी चीज हमको रखना है तो कहां रखेंगे? और जो जहां रखते हैं उसको क्या कहेंगे? स्पेस नहीं, जगह कहो या स्पेस कहो। तो इसीलिए ये मैंने कहा ना कि कहीं बातें हमने इस प्रकार से, हमने सिर्फ जो अपोलो यान जाता है उसको हम स्पेस मानते हैं, एक्चुअली स्पेस का मतलब होता है अवकाश, आकाश, ये भी स्पेस है जहां हम रहते हैं, ये भी स्पेस है वो भी स्पेस है, स्पेस की कैटेगरी डिफरेंट है। क्या है? पर दोनों का एक ही नाम है स्पेस, फिर उसमें कैटेगरी, यहाँ जिस प्रकार का वातावरण है वो वातावरण वहाँ नहीं है, आप समझे ना। यहाँ जैसे प्राणवायु है तो वहाँ प्राणवायु ऑक्सीजन नहीं है, तो मगर स्पेस तो है। तो और जहाँ इस प्रकार का एनवायरनमेंट नहीं होता है वहाँ आपका जो बॉडी का वेट है वो कम हो जाता है। ये बहुत बड़ा साइंस है, ग्रेविटी का साइंस है, थोड़ा समझने में देर लगेगी। जैसे पानी के अंदर हमारी बॉडी तैरती है, 100 किलो की है तो भी, यस और नो? ये ग्रेविटी है, तो यहाँ ग्रेविटी ज़्यादा है वहाँ ग्रेविटी शून्य है, इसीलिए आपका शरीर तैरता है, दैट्स इट। ये साइंस है, ये कोई श्रद्धा के बाद, ये कोई चमत्कार नहीं है, दिस इज द साइंस, आप समझे ना। जितना नीचे जाओगे आपको लोड पड़ेगा, जितना ऊपर जाओगे आपको लोड कम होगा। सेम जैसे यहाँ सोशल में है, फिजिकल में है, ऐसा आध्यात्म में भी ऐसा है,
जितना आपका अंडरस्टैंडिंग लो इतना आपको हर बात समझने में कठिनाई आती है. जिसका आपका अंडरस्टैंडिंग हाई होता है यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी इजीली. जितना हाई लेवल ऑफ आपका सोच आपकी हाई लेवल की है आपको समझ में जल्दी आ जाता है. जिसका लो लेवल है समझने में बहुत देर लगती है. क्या करती है? देर लगती है बिकॉज ऑफ योर लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग. स्वामी जी आज बहुत ही बड़ा क्लैरिफिकेशन मिला कि आप जो बता रहे थे कि दादा 84-85 में कह रहे थे कि उन्हें साइंटिस्ट की जरूरत थी तो अब पता चला कि व्हाट दैट मींस. हम लोग नहीं समझ पाते हैं ना. परफेक्टली परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट. बहुत सारी बातें ऐसी है जो हम लोग साइंटिफिकली नहीं समझते थियोरिटिकल समझते हैं एंड थियोरिटिकल समझते हैं इट मींस they are always in confusion because there is no clarification. Only they believe it without clarification or without logical proof. They accept it as per the scripture. Koi prashna karenge to they have no answer because they don't know. They know only the as it is word gnan. Shabdo ka gyan hai usko. Iske paas understanding nahi hai. To जो शब्दों का ज्ञान होता है उसमें श्रद्धा भी वेरी लिमिटेड होती है. क्या होती है? लिमिटेड होती है. और जो सिद्धांत का ज्ञान है उसमें श्रद्धा स्ट्रॉन्ग उसमें अपना जो सिद्धांत का ज्ञान है उसमें स्ट्रांग होते हैं वो लोग क्योंकि वो समझते हैं. ऐसा नहीं कि किताब में लिखा इसीलिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ बट लॉजिकली आई रियलाइज इट सो देट आई एक्सेप्ट इट. तो हर बात का जो सोच होता है उसमें जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग होती है जहाँ तक एक प्रकार की एक प्रकार का सिद्धांत के फॉर्म में हम इसको समझते हैं तो उसको स्वीकारना इसको फॉलो करना इसको रियलाइज करना आसान हो जाता है. जो नहीं समझ में आता है तो फिर उसको अनुभव करना तकलीफ बात है. स्वीकार तो हो सकता है श्रद्धा से अनुभव नहीं कर सकते. लोग नहीं कहते हैं 40 साल हो गए 50 साल हो गए 60 साल हो गए हम भगवान की बहुत भक्ति करते हैं पूजा पाठ करते हैं आरती करते हैं फल फूल चढ़ाते हैं उसको स्नान करवाते हैं कपड़ा पहनाते हैं सब कुछ करते हैं. एवरी डे वी स्पेंड द टाइम फॉर द गॉड राइट बट गॉड नेवर टॉक विथ अस. नहीं समझ में आया. आप हस्बैंड को खिलाओ पिलाओ सब कुछ करो बोले नहीं तो आपको अच्छा लगेगा ना. बोलते नहीं है. तो इसीलिए तो हर व्यक्ति को मालूम है कि हमको वो नहीं बोलते तो अच्छा नहीं लगता है मगर क्या करेंगे. ये श्रद्धा है ना. क्या है? श्रद्धा है. फिर 40-50 साल होते हैं बहुत सारी जीवन में कठिनाइयाँ आती है फिर भगवान को प्रेयर करते हैं कि मेरे को इस प्रॉब्लम से मुक्ति दिलाओ. और जब नहीं होता है उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो कहता है क्या करेंगे. 50 साल तक भगवान की भक्ति किया मगर इतना भी काम करते हैं नहीं है. अब समझे क्योंकि श्रद्धा से माना है ना आपने. श्रद्धा से माना है. अमुक व्यक्ति ने अमुक प्रकार की प्रकृति माफक आवे अमुक ने ना आवे ना आवे એટલે રિએક્શન આવે શું આવે બીજું કશું હોતું નથી પણ આ એક્શન ને રિએક્શન એ બધી પ્રકૃતિઓ છે અને પ્રકૃતિ છે ને બધી ઓગળી રહી છે. કેવી? હા આપણું લાઈફ એ ઓગળી રહ્યું છે. શું છે? એટલે જ ઓગળી કે બરફ ઓગળી જાય એટલે શું થઈ જાય? પાણી થઈ જાય. એમાં શરીર ઓગળી જાય છે એટલે રાખ થઈ જાય. એટલે આપણે બહુ બહુ હેડેક રાખવાની જરૂર નથી. કોઈના માટે ફરિયાદ કરવી એ દાપણવાળા પુરુષોનું જ્ઞાન નથી. દાપણવાળા પુરુષોનું જ્ઞાન નથી ફરિયાદ કરવી. કઈ રીતે સ્વીકાર કરવો એને દાપણ કહેવાય. કઈ રીતે કમ્પ્લેન કરવી એને દાપણ ના કહેવાય. એ દ્રષ્ટિ આવવી જોઈએ આપણામાં. શું છે? ફરિયાદ કરવી તો સહેલી છે. આ જગતની અંદર ખોળ ખાપણ કાઢવી બહુ સહેલી છે પણ એની સ્પેશિયાલિટી ખોળવી એમાં તમારી પાસે દ્રષ્ટિ જોઈએ. શું જોઈએ? એટલે પોઝિટિવ. શું કીધું?
કે ભાઈ ગમે એટલા ગુસ્સો કરે, ગમે એટલા ધમ પછાડા કરે છે, પણ પૈસા લઈને ખવડાવે છે ને આપણને. પેલા તો મહેનત કરી હોય ને સાહેબ, પેલા કરી તો બે જણા કર્યો, એક જણા થોડી બરાબર છે, એમણે કરીને એમણે કરી, બે જણા પેન્શન છે ને એ કામ માં કામ નહીં થાય. ગુસ્સો કરવો આપણા જીવનમાં રહેલી કોઈ પણ પ્રકારની વીકનેસ, નબળાઈ, એ કોઈ પણ પ્રકારની વીકનેસને કાઢવા માટેના ત્રણ મુદ્દાનો કાર્યક્રમ. નંબર વન, ભૂલને ભૂલ તરીકે સ્વીકાર કરવો. ઇંગ્લિશમાં કેજો, વાંધો નહીં, ઇંગ્લિશમાં બધા ખાવા પડે, છોકરાઓને પણ. વી એક્સેપ્ટ ધ મિસ્ટેક એઝ અ મિસ્ટેક. Any kind of mistake, any kind of weakness, we accept the mistake as a mistake. The second thing, whatever the we accept the mistake, we apologize for our mistake. This is the second step. And the third step, whatever we accept the mistake, we apologize the mistake, same kind of mistake, we cannot do repeat and repeat in our life. So we have to do some નિશ્ચય. ઓકે, સો ધેટ વે વી હેવ ટુ ક્યોર અવર પ્રકૃતિ ફોર ફ્યુચર. હમારી પ્રકૃતિ કો ક્યોર કરને કા યે રાસ્તા હૈ, પહેલે ગલતી કો ગલતી કે રૂપ મેં સ્વીકાર કરો, ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ. द सेकेंड स्टेप, जो गलती को गलती के रूप में स्वीकार किया है उनके लिए क्षमा मांगो, ये सेकेंड स्टेप है. एंड द थर्ड स्टेप, ऐसी गलतियाँ मैं बार बार न करूँ, ऐसा मैं निश्चय करूँ, ये थर्ड स्टेप है. तो यानी कोई भी प्रकार की मिस्टेक को निकालने का ये सरल रास्ता है, एनी काइंड ऑफ मिस्टेक. तो हर प्रकार की वीकनेस का ये सिंपल मेथड है. कोई भी गलती को अगर गलती नहीं स्वीकारोगे तो कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट बर्थ बिकॉज यू लाइक इट. क्या बताया? कोई भी गलती को गलती के रूप में नहीं स्वीकार करोगे, मतलब कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट बर्थ सेम काइंड ऑफ प्रकृति बिकॉज यू एक्सेप्ट इट. आज मैं गुस्सा करूंगा और मैं कहूंगा तो गुस्सा तो करना ही चाहिए, नहीं तो काम बनता है नहीं है. तो ये मैं गुस्सा को अपनी गलती नहीं मानूंगा, तो वही प्रकार की प्रकृति कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट बर्थ बिकॉज यू साइन इट. कर्म हमारी सिग्नेचर से बनते हैं, एक्शन से नहीं बनते हैं. कर्म की भुगतान एक्शन से होती है और कर्म नए बनते हैं भाव से, विथ अवर इंटेंशन. अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, ओके, भगवान को बोलते हो धन्यवाद आपने मुझे ये दिया ये दिया, ओके ओके, हाँ फिर वो ठीक है कि नहीं? मतलब अच्छा लगता है, ठीक है, तो वी डू दैट और नॉट फॉर द नेक्स्ट टाइम? वो तो आपके ऊपर डिपेंड है. मैंने कहा ना, आपको कोई भी चीज, आपकी आज की प्रकृति अगर आपको पसंद है, यू साइन इट के इट इज ओके, सो द सेम काइंड ऑफ प्रकृति कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट बर्थ बिकॉज ऑफ योर सिग्नेचर. अगर आप कहोगे कि मेरी जो प्रकृति अभी है वो ठीक नहीं है, ऐसी होनी चाहिए, तो आपने चेंज कर दिया, तो उस प्रकार से आएगी. मोक्ष के लिए तो यही कहना चाहिए ना? मोक्ष के लिए तो क्या चाहिए?
मोक्ष के लिए तो प्रकृति ही नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? या प्रकृति नहीं चाहिए उसका मतलब क्या है? प्रकृति राग और द्वेष से बनती है। राग और द्वेष से कोई चीज मेरे को पसंद होता है तो इसको राग कहेंगे, ना पसंद है उसको द्वेष कहेंगे। तो राग और द्वेष से नई प्रकृति बनती है। आज गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि गुस्सा नहीं शांत प्रकृति होनी चाहिए, तो ये शांत प्रकृति के लिए आपको राग हो गया तो वो प्रकृति नेक्स्ट टाइम में आएगी। आप समझे ना? तो हमारी प्रकृति राग और द्वेष से बनती है। किसी को गुस्सा करने से व्यक्ति को हेट करते हैं तो वो आपका द्वेष है, तो भी आपकी प्रकृति बनेगी। आप समझे ना? तो ये नई प्रकृति राग द्वेष से बनती है, वो फिजिकल फॉर्म से नहीं बनती है, वो अपने इंटेंशन से या भाव से बनती है और उसकी भुगतान मन वचन काया से होती है। तो हमको जो मन वचन काया मिलता है वो कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। द बॉडी इज नॉट अवर रियल आइडेंटिटी। ये शरीर ये हमारा स्वरूप नहीं है। शरीर कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है। कर्म खत्म हो जाएगा, साधन को जला दिया जाएगा। हम जलने वाले नहीं हैं, और जो नहीं जलता है वो हम है, जल जाते हैं वो हम नहीं हैं। वो इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? मगर इंस्ट्रूमेंट को हम इंस्ट्रूमेंट नहीं मानते हैं, क्योंकि आत्मा को हम आत्मा नहीं मानते हैं। आत्मा मानेंगे तो इंस्ट्रूमेंट होगा ना। जब शरीर को ही आप, शरीर को ही मैं मानूंगा तो वह इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा ना, वो हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी। मगर ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है। तो द मेन थिंग इज कि जो हमारी जो लाइफ है, वो लाइफ के अंदर हम जिस प्रकार से जी रहे हैं, वो हमारा जो लाइफ है, वो लाइफ के अंदर हमारा जो लिविंग है, वो लिविंग के अंदर हमारा विजन क्या है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इफ वी नो दैट आई एम अ प्योर सेल, देन आई एम टोटली सेपरेट देन द बॉडी, एंड बॉडी इज ओनली फॉर सफरिंग ऑफ योर प्रीवियस बर्थ डेट। बट वेन यू अंडरस्टैंड आई एम अ बॉडी, देन यू आर नॉट बिलीव इन अ सोल। सो द बॉडी इज नॉट इंस्ट्रूमेंट, बॉडी इज योर आइडेंटिटी। So at that way, this kind of ignorance, you create the new rag and dvesha. But when you know I am not body, body is only instrument for suffering. But my identity is separate than body, so I am a pure soul. मैं शुद्धात्मा हूँ। तो ये दृष्टि की बात है। क्या है? Because we all are know very well. When the person they died, we fire the body, right? Correct? If I am a body, then my existence is finished forever. But it is true? No. My existence is permanent. So who I am then? Eh? That's it. If you know, then I am a pure soul. Then why you create the rag and dvesh? Because of ignorance. So it requires the proper awareness of I and my. Actually the capital I is our self and my is our relative self. So with all kind of my is temporary and I is permanent. Without I, you cannot tell this is my, right? House never say, I am house, says? No. See, because this is jad. But inside the body, there is chetan. So there is separation of I and my. So I is always permanent and my is always temporary. I carry forward birth to birth and my is carried forward in terms of cause and effect, cause and effect, cause and effect. With my, we create the new raga and dvesha.
new, we create the krodh, man, maya and lobh. And at that way, we create the new cause for the next birth. So that is our individual ignorance. So ignorance is to create the new cause for the next birth. So it's required the proper and scientific vision. So you can, through your vision, you separate the I and my. My body, my house, my relation, my money, my material, everything is my. And my is equal to call it maya. What we say? Maya. Maya, what is the meaning of maya? Maya means it's an illusion. It is not fact. Maya is always illusion. You create the house, you earn money, you married with a lady, you create the child, and all these things you left when you died. There is no my with you. It's an illusion. Whole life we living with my, and all my keep here, and you go alone. It's called a maya, illusion. So this is not fact. Nature will say, I give you the maya only for the suffering, not for ownership. But because of our ignorance, we always create the ownership. This is my, this is my, this is my. Nature says, your body is not your body. Then why you tell us this is my house? It is only for suffering you, but not for the ownership, right? But because of ignorance, we think that, oh, this is my house. We know that in this house, before, so many people, they are living here. And after I gone, there are so many people living in this house. So how I can own this house permanently? Of course, when I live, at that time, this is my temporary ownership for living. It is okay, because we pay the money, either rent or ownership, temporary ownership, like a paper ownership, okay? So the fact is, we are not owner of any things in this universe. All these relatives are temporary. All these relatives are temporary. Maybe in terms of relation, in terms of money, material, assets, knowledge, etc. Is all the things are temporary. Even though you are doctor in this world, you are lawyer in this world, you are chartered accountant in this world, still this designation and degree is only for this birth. The degree is also not carried forward in the next birth. So everything is temporary. But we believe that this is permanent. So it is to be called a agyan. When we know the fact of universe, we can remove the agyan. But when we know the friction, we cannot remove the agyan, but we can change our agyan from one place to another place. But the ignorance is there. Like today I am living in a house, oh, then after 5-10 years, I don't like this house. I think, oh, I like the another house. Then I buy the big house. Then I live in a big house 10 years. Then I like, oh, the area is not good. Then I go in another place. Then I go in a... It's a good area, like a sports area, okay? I go there and I live there. Then after retiring, then I know, oh, it's very costly for us. It is better than we go in a small house. So it is a cycle all the time. So whole life we say, my. Yeah. And the end of the day, there is no my. Nature says, bye. That's it. Because my is not your. My is not your. Nature they give you. Bye. My is nature give you only for the suffering. But your, because of your agnan, you think that or you feel that, yeah, I am owner of this material or relation or whatever it is. But this is wrong belief. And whole life we are suffering because of wrong belief.
not because of money and material. We know that why the nature will give us body? Because of suffering. But we think that suffering is only the pain. No. Happiness and sorrow, both are suffering. Both are suffering. So because of suffering, the nature will give us the body. But we believe that I am a body. I am not body. Body is an instrument. But Swamiji, everybody knows that. End of the day, we have to leave that. Right? Now, after getting this knowledge, jnana, right? We have to, inside, we have to believe that this is going to be, I'm going to say bye. It means the attachment, which, okay, the property, money, relation, family, it remains there, right? Because it is our accounts, right? But rather having the attachment, just try to understand inside that it's not permanent, it's a temporary, which it is my accounts, my hisab. Right? So oftenly used in every aspect of Sanjo. See, when you accept the other person at the time of marriage, you know that the life is for adjustment. Yes or no? Yeah. When you marry the unknown person, it means life is for adjustment. Yes or no? Yes. But then after marriage, we forget it. Oh, no. Why they listen, not me? Same thing, the opposite person. So that is not a proper understanding. Actually, the life is adjustment. Either time is good or bad. Yeah. The life, because you know that at the time of marriage, you know that. We don't know about each person. We don't know about the nature of each person. We don't know the culture about each person, okay? But when we marry, at that time, we know that we have tried to adjust in our life. Because we come out from the different place, different environment. Correct? But we forget it in our practical life. So that class, you know, all kind of classes and misunderstanding is created, okay? But Swamiji, in marriage life, right, both persons have certain type of expectation from each other, right? Now, when expectation is not fulfilled, then this rag and dvesh, right, it's created. So that is where you have to have understanding, right? That try to minimize your expectation and try to adjust whatever circumstances come in your life. Right? Do it whichever ways. Try to, you know. See, best way is when we are living in society, in family. See, we show our understanding to adjust in most of the circumstances. Then the other person, they try to understand and they try to realize it. But when we are failed to adjust, then also the opposite person, they also not try to understand the adjust. So when, if I have a knowledge, I want to show my experience to you, then with the experience you see, and then you follow it. But when I share the only knowledge without experience or without practicality, the opposite person, they are not accepted. Knowledge is correct, but not in practical, so they are not accepted. So main thing is, adjust everywhere, it means you show up your adjustment in good and bad circumstances. So the other person, they at least try to understand, oh, this person, always they try to adjust with me in some typical situation, in some negative circumstances, in some bad circumstances, always they adjust with us. So right now, I have also to change my understanding. That's where the problem is. That's where the problem is. Like two characters, husband and wife, right? Husband, suppose, he knows, you know, he tried to adjust in every aspect of circumstances, right? He will do it, no conflict between husband and wife. Yeah. He is trying his best to do that. But other way, wife might be so stubborn, right?
that doesn't want to be flexible, right? In that case, there is a limit of that expectation, that understanding or adjustment. So husband believes that every time I have to do that. Over there is no flexibility. So that clashes every day. But when you make your nature to adjust everywhere, it is best for you. Absolutely. And best for the lesson to give the other person. Absolutely. But when you adjust in some of the person, some of the time, and some of the time you are not adjusted, then see, the message is not going good. Yeah, I agree with you. Like 9 times you are adjust and 1 time you are fighting. So the for the most of the all people, they noted your negative behavior and they try to tell you, oh, this time you behave like that way, this way. They never tell you, okay, oh, 9 times you are adjust with me. So better see, when my understanding is proper, correct and perfectly, I try to follow as far as possible. That's where the point is, as far as possible. So possible, it's not full. It is everybody individual has a limit of that possibility. Of course the possible, it not like a full, I agree with you. But possible never says there is a limit. Yeah, that is also the point. If it comes in our it not shows that this is a limit, okay? But everybody maybe 99.99% we try to adjust. Yeah. It is very good. Yeah. Best, I think. Right? Yeah. So that see the life is two-way. The inner life and outer life. Yeah. Inner life is only for you. Yeah. And outer life is maybe helpful to the other. Mm. Family, society, friend, whatever it is. So the outer life is, if it is good example, you know, for the other, it is better to adjust everywhere, or it is better for sambhav. Sambhav is, it is good, after all it is inside, within you. Right. But to adjust in a physical way, or internal, like mind, speech and body, is like man, buddhi, chit, ahankar. Yeah. That four functions are also based on your part of circumstances. Right. Yeah. Where the classes remains there, but actually the inside sign, inside within your body, your understanding, your vision is based on the natural law. Mm-hmm. Then yes, it is possible for everybody to be adjusted in all circumstances. But that level of understanding, it requires a practice in all aspects of circumstances. Right. See, the main thing is, if I am a pure soul and I want to pure myself with all kind of ignorance, then it is a matter of my individual exam. It is not exam of mutual. Okay? I agree. It is an example of myself only. Yeah. And surrounding person, maybe the wife, brothers, sisters, fathers, mothers, sasu, sasra, whatever it is. All are, whatever they like it, they follow it. But I try, my life is like a pure, as far as possible, like a natural. Like a nature is always adjust. Same way, this is also nature. Yeah. And I try to adjust with each other in our society, in our families particularly. In that case, the point comes, if you value who you are, right? Then the value remains constant, then this value will go down and you will try to adjust all the way. Yeah. So that belief is supposed to be very strong, that I am Nirnay Nishchayati Kevar Shuddhatma Chu. I mean, this is based on all natural law, right? And all seeds has been born by myself in the past. But of course, that vision all the time remains there, then the adjustment you can easily take. See how we can adjust in most of the circumstances when the value of circumstances are going down and down in your vision, your ego is also going down and down. Yeah. And that way you can adjust with others. Mm. But when you create the very big value of one of the any circumstances, then it's not very easy to adjust. No, not at all.
That's it. It's a matter of your individual vision, not outside circumstances. And then, you know, another thing is, if you look at it, yesterday we were talking about ke mare che e gamtu nathi, game che e martu nathi. Ye suna aapne? Jo milta hai wo hame achha nahi lagta hai. और जो जो अच्छा लगता है वो मिलता है वो कहने का मतलब क्या है उनका कहने का मतलब क्या है कि लाइफ व्हाई वी आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग एंड सफरिंग इन आवर लाइफ एंड ऑलवेज वी आर अनसैटिस्फाइड विथ आवर करंट सिचुएशन बिकॉज ऑफ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बिकॉज ऑफ जो हमको मिलता है जो मिलता है उसे संतोष नहीं है और जिससे संतोष है वो मिलता नहीं है तो क्या करूँगे ये सब कसूर किसका है जो पंडित जी जब शादी होती है ना उसको बोलना चाहिए नहीं सुनो उसको बोलना चाहिए लाइफ इज अ सफरिंग एंड मैरिज इज अ सफरिंग फिनिश दे 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 आर टेलिंग अस बट आवर नो 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 वी हैव सच अ आवरण इन आवर माइंड वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वर ट्राइंग टू से व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दे से समझाए दादा हेलो कना जे रिलेटिव छे ए तुम्हारा रिलेटिव छे ने तुम्हारा रिलेटिव छे लोग ना छे बदन एडजस्ट करू छे आ छे तेन छे आवू कोई कहतो नहीं कि सफरिंग छे No, no, when they actually if they tell us too much truth, then you cannot pay the money more to him. ये तो मेरा ठगी कर ले नहीं नहीं क्या वही कलाक लगाओगे फोर कलाक पैसा ले लेते मैरिज में तो ओवरली नहीं होता है ना पैकेज होता है पैकेज इंडिया में तो चलता है इतना फास्ट होना चाहिए कि लंबा होना चाहिए फास्ट वाला भी प्रॉब्लम हुआ ना हम लोग फास्ट शादी किया सब एक्सप्लेन नहीं किया पूरा तब तो बोलते हैं जल्दी करो जो भी है हमको मंजूर है बोल उसमें Where is the problem, you know? Most of the people, they understand, I am married with ladies or gents. Itna hi samajhte hai. Woh ye nahi samajhte hai ke actually life of marriage is a package. You know, understand me? What is the meaning of package? जैसे हम वाइफ के साथ शादी करते हैं तो उनका पूरा परिवार हमारे साथ पैकेज में आता है पैकेज समझ रहे हैं वी मैरी विद द वाइफ पर पैकेज इज देयर बाय वन गेट सेवन फ्री नॉट सेवन नॉट सेवन 70 और 700 समटाइम्स बिकॉज ऑल द रिलेशन ऑफ द अदर पार्टी दे आर विद अस नाउ सो इट्स अ पैकेज बट एट दैट टाइम दे डोंट नो वो क्या समझते हैं आई एम मैरी विद द लेडी Or gents, but they don't know about the package. Then after they living the life, then they oh this is a package. Now you have to go there and this, you have to do this and that. तो ये तकलीफ हो जाती है फिर. अभी एक दोनिया मलेशिया से शादी करा के आया. Yeah. तो बोलता है कि बड़ी अच्छी लड़की मिली. बाद में मेरे भाई को इतना पैसा चाहिए, वो उसकी मासी को कहा चाहिए, उसके पास घर नहीं है, उसको ये देना है. धीरे धीरे मालूम होता है जल्दी नहीं होता इसीलिए कहता है ना कि जो दिखता है वो है नहीं और जो है वो दिखता नहीं है मगर धीरे धीरे रूपों में आता है धीरे धीरे आता है इसीलिए तो लोग नहीं कहते हैं हम किसी को कहेंगे हस्बैंड वाइफ दोनों होते तो कहेंगे के कितना साल हो गया शादी हो गए तो बोला 40-50 साल हो गए तो मैं हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी को प्रश्न करूंगा कि जैसे वाइफ को कहूंगा कि आप अभी हस्बैंड को समझ पाए आफ्टर 50 इयर्स बोला आई डोंट नो स्टिल क्या करेंगे वो नहीं मालूम भाई मैं हस्बैंड को पूछूंगा वाइफ को समझ पाए तो बोला नहीं अभी मैं उसको नहीं समझ पाया कभी क्या करें क्या मालूम भाई तो कहने का मतलब ये है इट इज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इसीलिए भगवान ने कहा वाइफ को हस्बैंड को और हस्बैंड को वाइफ को समझने की जरूरत नहीं अगर खुद को समझ पाओगे तो आप दुनिया को समझ जाओगे व्हेन यू अंडरस्टैंड अपने आप को समझ पाओगे तो दुनिया से एडजस्ट होना आसान है अपने आप को समझना मतलब ये प्रकृति की बात नहीं है परमात्मा को समझना तभी ये समझ में आएगा कि ये प्रकृति ही पैकेज है क्या है
प्रकृति ही पैकेज है, पाप और पुण्य के कर्मों का ये पैकेज है, तो उसमें उसी प्रकार से संजोग मिलते हैं अलग अलग फॉर्म में, मगर ये प्रकृति ही मेरा स्वरूप है। और बाहर की दुनिया पैकेज दिखेंगे तब तो पजल है। द वर्ल्ड इज द पजल इट सेल्फ, नो बडी गॉड इज नॉट पजल दिस वर्ल्ड एट ऑल, ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ये दुनिया समझने वाली चीज है, सी इट इज नॉट अ रैंडम, इट इज एक्चुअली फैक्ट, बट वी डोंट नो द लॉ ऑफ नेचर, सो वी नो द रिलेटिव ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड, वी डोंट नो द रियल ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड। वी नो द रियल ट्रूथ थ्रू योर विजन, तो आपको लगे क्या द वर्ल्ड इज करेक्ट, वट एवर इट इज हैपन इन माई लाइफ और इन सरकमस्टेंसेस इन सराउंडिंग एवरीथिंग इज ओके, इट इज इन अ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द लॉ ऑफ नेचर, सो देर इज नथिंग रॉन्ग। बट विथ अवर बुद्धि विथ अवर इंटेलेक्चुअल समटाइम आई लाइक इट समटाइम आई डोंट लाइक इट, ये हमारा कन्फ्यूजन है, ये नेचर का नहीं है। अज्ञानता हमारे में है, बाहर नहीं है, फॉल्ट अपना ही है। हाँ, अपनी दृष्टि का फॉल्ट है। क्या है ये संजोगों को स्वीकार नहीं करना, मतलब अपने आप को स्वीकार नहीं करना। संजोग बनाने वाले ही वो हैं, फिर कहेंगे मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, वाई भी When you are created, then why you are not accepted? मगर जब संजोग बनाते हैं तो वो सूक्ष्म होता है, उसका रूपक आता है तो स्थूल में आता है, तो उस समय एडजस्ट या स्वीकार नहीं होता है। That is the puzzle. हम जब एग्जाम देते हैं तब संजोग अलग है, और जब रिजल्ट आता है तब संजोग अलग है। सो बोथ आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन, बट व्हेन वी अंडरस्टैंड द बोथ सर्कमस्टेंसेस एट द टाइम ऑफ एग्जाम, वट एवर वी क्रिएट द इंटेंशन एंड भाव, वी गॉट इट द रिजल्ट इन अ नेक्स्ट बर्थ, नॉट इन अ सेम बर्थ। सो देर इज अ मिनिमम 60, 50, 40 बर्थ ईयर distance between cause and effect, 50, 60, 70 years minimum different year. So with this different of the year, there are so many change in outside, correct? So we create the vow before 70 years, at that time the circumstances are different, but now we got it the result of my exam after 70 years, at that time the circumstances are different, at that time we are not accepted. Why we got it these things? No, this is your exam. As per your exam, nature will give the result. Now the circumstances have changed. Your vision is changed. At that time, they create the puzzle. Right? So the cause and effect, because of we are not accept our result of our cause. So that they create the new puzzle for the next birth. So at that way, most of the people, they dissolve in puzzle because they have no solution. और ज्ञान किसको कहते हैं? You dissolve to puzzle. आप puzzle को ही dissolve कर दो, उसको कहते हैं ज्ञान। और आप puzzle में dissolve हो जाओ, इसका नाम है अज्ञान। तो ये कोई चमत्कार की तो बात है नहीं, ये कोई चमत्कार की बात नहीं है, वेरी सिंपल है। और हम पजल को समझते नहीं है, पजल किसको कहते हैं? ज्ञानी पुरुष की स्थिति दुनिया में पजल है भी और पजल नहीं भी है, ये आपकी दृष्टि के ऊपर डिपेंड है। क्या है? अगर आप इस घर में रहते हैं और इस घर में लगता है कि भी जो कुछ भी मेरे को मिलता है आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज इट इज माई मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट मोर पजल, आप समझे। दूसरा आपका भाई आपके साथ रहता है, बोलता है छोटे कमरे में कहाँ तक रहेंगे, हमको तो बड़ा घर चाहिए, तो उनको लिए पजल है। क्या है? उनके लिए पजल है।
तो पजल इज क्रिएटेड बाय अस थ्रू अवर रॉन्ग विजन. मैं कहूंगा कि वाइफ मेरे को ऐसी मिली, हस्बैंड मेरे को ऐसा मिला, व्हाई यू कंप्लेन इन क्वेश्चन. ये आपके कर्मों के हिसाब से मिले हैं. नाउ यू सेटल द अकाउंट, क्लोज द अकाउंट, व्हाट एवर इट इज द नेचर इज गुड और बैड, बट यू हैव टू क्रेडिट इन अकाउंट. दे बिहेव गुड और बैड, बट ट्राई टू सेटल द अकाउंट. ओके, डोंट वॉन्ट टू कैरी फॉरवर्ड. इफ यू कंप्लेन इन क्वेश्चन अबाउट एनी एक्शन और एनी सर्कमस्टांसेस, देन द सेम सर्कमस्टांसेस आर कैरी फॉरवर्ड इन अ नेक्स्ट मंथ बिकॉज ऑफ योर कंप्लेन. बट वेन यू एक्सेप्ट इट, यू क्लोज द अकाउंट. वाई वाई आई एम नॉट राइट टू डू द कंप्लेन, नेचर विल से why I give you this kind of circumstances of suffering, because of your previous birth cause. Now you have to accept and close your account. But when you are not accept the circumstances, then nature will give you the carry forward the same circumstances. So this is our ignorance, right? That's it. So that is the way to live in our life. So 40-50 years ago, you accepted and you created this cause. It took 40 years to come in. That's why you're not accepting. So does that mean that 40-50 years ago, whatever you created was okay? Whatever? That was what you did. Loudly. अपने जो पहले कर्म किए हैं उसका ही हमें फल मिलता है. Yeah, the whole life. मैं क्या कह रहा हूँ कि तब हमने 40 साल पहले जो किए थे हमें लगता था कि हमने ठीक किया है, पर अभी 40-50 साल के बाद सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए इसलिए वो नहीं लागू होते. करेक्ट है ना. सी व्हेन यू नो दैट के व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सन एंड फादर, हाउ मेनी एज डिफरेंस अप्रोक्सीमेट, नहीं कितना डिफरेंस होता है, 40 नहीं नहीं नहीं, बच्चे और पिता के बीच कितना डिफरेंस होता है, 20 साल 25 साल मैक्सिमम 25, राइट. सी द गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड फादर एंड सन इज अप्रोक्सीमेट 25 years, एंड डिफरेंस इज ओनली 25 years, बट वी नो दैट देर इज अ बिग डिफरेंस, इट इज टू बी कॉल्ड ए जनरेशन गैप. एम आई राइट और रॉन्ग? 25 साल के बच्चे को 50 साल के पिता नहीं समझ पाते बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप. और गैप कितना है? 25 साल का. और यहाँ गैप कितना है? 70 इयर्स का. नाउ यू अंडरस्टैंड मी. 25 साल का जिंदा लड़का हम समझ नहीं पाते हैं, और 17 साल पहले बिफोर 70 इयर्स जो हमने भावना किया था उसका आज फल मिलता है. गैप कितना हो गया? 70 इयर्स मतलब 3 times हो गया है ना अप्रोक्सीमेट. तो फिर वो संजोग ये संजोग कैसे इक्वल होगा? इज इट पॉसिबल? नहीं. तो इसीलिए ईच एंड एवरी टाइम द पीपल दे आर मोस्ट ऑफ पीपल दे आर नॉट एक्सेप्ट द मोस्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर नॉट हैप्पी, बिकॉज ऑफ इज अ मिस अंडरस्टैंडिंग एंड बेसिकली इग्नोरेंस. दे हैव अ नो साइंटिफिक विजन, दे हैव अ थियोरेटिकल विजन, अच्छे करने से अच्छा होगा, बुरा करने से बुरा होगा, बट दे डोंट नो कि हमारे पास श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति है, है? अगर हम लेते हैं तो फिर रात को नींद कैसे आएगी, बंद हो जाएगा तो. मगर हम नहीं लेते हैं. इट इज अ ऑटोमोड सिस्टम हैज पर योर आयुष्य कर्म. अगर आप अनकॉन्शियस हो गए तो भी चलता रहेगा, राइट करो. तो ये श्वास लेना वो हमारी अवेयरनेस नहीं है, इट इज ऑटोमोड सिस्टम. इट इज नॉट मैटर ऑफ विथ अवर अवेयरनेस, इट इज ऑटोमोड सिस्टम. आयुष्य कर्म इसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आयुष्य कर्म. तो अगर श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति हमारे पास नहीं है तो जो श्वास से ये मन वचन काया चलता है, क्योंकि बिना श्वास तो नहीं चलेगा ना. तो श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है तो जो श्वास से हमारा मन वचन काया चलता है क्या उसमें हमारी स्वतंत्रता हो सकती है? नहीं हो सकती है. नहीं,
That's it. और फिर भी हमारी कंप्लेन क्या है? आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, वही कंप्लेन होती है। ये अज्ञानता है। क्या है? अज्ञानता। तो गो अहेड विथ कॉन्फिडेंस वॉट एवर इट इज। ऐसा मत समझो कि कल वाइफ ने जो किया वो ही आज करेंगे, सोचने की जरूरत नहीं। गो उनके, ना उनके पास स्वतंत्रता है ना हमारे पास है। हर दिन सोच फ्रेश रखो। क्या रखो? पिछली बातों का काउंट मत करो, फिर हेडेक हो जाता है। क्या हो जाता है? हेडेक। और बिलीफ भी कैसी हो जाती है? घाट। उन्होंने आपको गलत प्रूव कर दिया, वो बोलते हैं। नहीं है, देखो एक बात जरूर है कि एक्चुअली लाइफ सबके लिए होती है और सबका अपना अपना प्रकृति है, तो हम किसी के ऊपर तो ब्लेम और क्लेम नहीं कर सकते हैं। हम एडजस्ट नहीं हो सकते, वो हमारी कमजोरी है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर संजोग हम लाए हैं तो हमको एडजस्ट होना ही पड़ेगा। इट इज़ गुड फॉर अस। अगर नहीं एडजस्ट हो सकते हैं तो सफरिंग आज भी होगा और नेक्स्ट बर्थ में भी होगा, बिकॉज वी आर नॉट सेटल्ड देयर। कम पर स्वामी जी, दादा तो एवं कहे छे के संजोग खराब आवानो होय ए पहला तमारी पासे कुदरती शक्ति होय, राइट, एने फेस करवा माटे। तो अहीं पांगड़ो केम बने छे? यहाँ भी शक्ति तो दिया है, मगर वो शक्ति फिजिकल है, मेंटली नहीं। यू हैव टू क्रिएट योर विजन थ्रू द ज्ञान। और जो सफरिंग की बात कहा है वो ओनली फिजिकली है। क्या है? या विजन की बात नहीं, नॉलेज की बात नहीं है, फिजिकल है। और कुदरत का कानून इतना परफेक्ट है, अगर वो आपको फिजिकल सफरिंग देता है तो मेंटली भी आप इसको फेस कर सकते हैं कहीं हद तक। मगर ज्ञान से उसको आप फेस कभी कर भी सकते हैं, कभी नहीं भी कर सकते, डिपेंड। मगर अगर फिजिकल पेन ज़्यादा होता है, यानी अनबेरेबल हो जाता है इन सम सर्कमस्टांसेस, तो उस समय माइंड जो होता है वो उसको बेयर नहीं करता है। तो सफरिंग तो आ गया, एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, एंड पेन इज अनबेरेबल। मगर इतना अनबेरेबल हो जाता है तो कुदरत क्या कहती है? जो पनिशमेंट देना था वो तो दे दिया हमने, अभी क्या करेंगे? उनका पेन अनबेरेबल है तो उसको अनकॉन्शियस कर देंगे। बट यू हैव टू सफर, बट जिंदा रखेंगे आपको फॉर अ शॉर्ट टाइम। आपको क्या करेंगे? अनकॉन्शियस करेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे आप कॉन्शियस हो जाएंगे। सफरिंग तो करना पड़ेगा, मगर अबव आ गए तो आप सिर्फ अनकॉन्शियस हो गए, दैट्स इट। आप समझे? બોલી ને શાંત થઈ જાય છો, પણ એ તો બોલ્યા જ નહી ના, એટલે ઘેર બોલ્યા હશે એટલે યાર શાંત છે। ઘેર બોલ્યા હશે ને, સત્સંગમાં આવવું જ પડશે, પછી અહીંયા શાંત જ રહે ને પછી। સાચી વાત છે, બરાબર ને? सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो सोच रहे हैं निकाल करना, वो निकाल एक्शन के फॉर्म में नहीं है। निकाल विजन के फॉर्म में कर सकते हैं, एक्शन के फॉर्म में तो कुदरत जो संजोग लेके आए हैं वो ही करवाएंगे। And there is no choice. Physically, speech-wise, thought-wise, we have a no choice. Of course, the vision-wise, we have a choice.
Vision and thought both are the different thing. Thought is decided and thinking is not decided. You have to think on a circumstances. Then after you can pull out some abstract on a circumstances. And at that way you create the new cause for the next one. ये एब्स्ट्रैक्ट निकालते व्यक्ति संजोग में से सार निकालते और बाद में डिसाइड करते कि ऐसा होना चाहिए या तो ऐसा नहीं होना चाहिए. सी यू आर टॉकिंग अबाउट थिंकिंग मींस थिंकिंग मींस समझाऊं मैं आपको. थिंकिंग मींस देयर आर टू टाइप ऑफ थिंकिंग. वन काइंड ऑफ थिंकिंग पार्ट इज डिसाइडेड एज पर द सर्कमस्टेंसेस. Another part of thinking is not like a physical thinking. It's added by your previous birth development, current circumstances and current jnana. And that way you decided, you pull out some abstract. Yeah. With this three parts. Essence of that circumstance. Yeah. So I tell you, it's like a process of thinking. Because main aur kuch kahunga to aapko samajh mein nahi aayega. Actually, ye vision hai. विजन सूक्ष्म है और थिंकिंग स्थूल है, मगर ये समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा. तो इसलिए मैं थिंकिंग कहता हूँ. एक्चुअली थिंकिंग नहीं होता है, विजन होता है. थिंकिंग तो मैकेनिकल है. थॉट एंड थिंकिंग बोथ आर मैकेनिकल बिकॉज डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस. पर जो एब्स्ट्रैक्ट निकालता है वो विजन है. फिर अज्ञान विजन है या तो ज्ञान विजन है. मगर कई बातें ऐसी है, मैं सिंपल बोलूँगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मेरे को लो लेवल में बोलना पड़ता है. लेकिन देन पीपल विल थिंक अबाउट थिंकिंग इट पीपल. आई नो स्वामी जी सेज इट इज प्री डिसाइडेड एंड नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट थिंकिंग. या बट क्या करें. सी दैट इज द ब्यूटी ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट. दैट इज द ब्यूटी. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बुक्स एंड द लाइव पर्संस. लाइव पर्संस को आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बुक को नहीं कर सकते. यू फॉलो द स्क्रिप्चर वट एवर दिस इज एट दैट टाइम. यू नो राइट टू आस्क द क्वेश्चन. उसमें जो लिखा है वो आपको समझना पड़ेगा और समझ के आपको फॉलो करना पड़ेगा. तो दे क्रिएट द सो मेनी कन्फ्यूजन. क्योंकि कहने वाले का जो सोच होता है वो कुछ अलग होता है, मगर प्रेजेंटेशन व्यक्ति के मुताबिक करता है. तो समझने वाला वही समझता है जो लिखा है. हालांकि कहने का मतलब अलग है, मगर हम लोग नहीं समझ पाते, इसीलिए ये बताते हैं. दादा भगवान भी ये कहते हैं कि जैसे घर पे कोई आते है रात को 12 बजे नॉक करेंगे तो अंदर थी था अत्यारे कही थी मुआ ये विचार ना कैसे क्या ये नव कर्म बाजू. अब आप प्रेम की आ तो विचार्यू तो विचार तो डिसाइडेड नहीं. नहीं, थॉट इज डिसाइडेड but your signature is not decided. But it's a very sharp line of demand. It's very not easy to realize it. ये अंदर ना आवाज निकले से. Yeah, you accept it. जैसे अंदर आवाज निकला कि ये रात को 12 बजे आने का टाइम है. What kind of persons you are? अंदर बाहर नहीं. मगर उसमें साइन हो जाती है कि the thought is correct. So with your signature, the same kind of thought is carried forward in a next part because of your signature. But when you change your signature, no, this is not good thoughts. The person are coming, maybe it's a circumstances. So we accept it and we welcome him. Out and in both we welcome him. Not outside. Inside also I welcome him. If I am thinking something wrong, circumstances are never changed, right? So we accept inside and outside, it is good for us. Yeah, please. कहते हैं ना कि जो मुंह पे बोल देता है वो अच्छा आदमी होता है. जो माइंड में ऐसे होता है ना, हमारा आगे बाहर आगे सो ऑन टाइम से के तो एनाथिंग जो कॉज बने. तो इज इट बेटर के तुम्हें को यार भाई सो बाहर आगे तुम सो बस रिलेटिव टर्म्स आउटसाइड स्पीकिंग इज अ गुड. रियल टर्म इज नॉट रिक्वायर्ड द एक्सप्लेनेशन
you accept it as it is, it is to be called a real Jnana. But relatively, it is good. Background, although you don't need, you don't need, you don't need, you don't need, ઘણી વાર શું થાય તમે સાડા અગિયાર વાગે શું હજો પછી બાર વાગે કોઈ નોક કરે અને પછી ઉઠીને તમે વિચાર તો આવો ને Thought is not cause, but when you sign with the thought, it creates the cause. Yes. Transfer in a cause. See, when you wake up, then you know that somebody is coming. In a dream, you cannot know. See? So you are not like a sleeping, but you are aware right now. So it is awareness, different kind of awareness, but it is awareness. See, the people they like to sleep in, the Jnani Purush say, actually the sleeping is like a, what we say, is like a, it's like a, what we say, meditation. unconsciousness. Isko bhavan bolte hai na? Unconscious bolte hai na? Bhavan. State of unconscious. State of unconsciousness. Ye achha nahi hai sleep. Isliye, you aware all the time. Body is resting, it is okay. There is no, it is a nature and part of the body. It is okay. But humko andar se jagrat rehne ke liye, ye body ko jagna, ye aankhon ko khuli rakhna jaruri nahi hai. It is a inner awareness. Actually the inner awareness is a 24 hours. And nature will give you the awareness 24 hours. But as a human life, normal people, they are not aware 24 hours. But you have a power to aware 24 hours through your real Jnana. It's not required the outside effort. It's required the separation of relative and real. It's required the separation of real, relative and real. When you are live in a real, whatever the relative done, it's okay. It is part of nature. It is part of karma. It is not part of you. Because you are not body. You are pure soul. And as a pure soul of awareness, you are always alive. You are always aware. You are always awake. You are not sleeping. But when you forget who I am, then after you are sleeping. So Dada says, Kothrama Atmane Puri ne Badhi Vida. Yeah. As a dream, if you can remember after you awake, is that good or bad? Dream? Which kind of dream? Any kind? Yeah, dream is always create the puzzle. Creates a puzzle. Dream is always create the puzzle. Life puzzle. Any kind of dream. Because all the dreams are not fulfilled. Anybody. Either Lord Rama, Krishna or Mahavira. Fulfill nahi baat alag hai. To remember the dream. Oh, okay. It's okay. It's not a big thing, you know. It is not a big thing. Some person remember it, sometimes not remember it. Recently, I've started writing that. I'm just wondering, what is it? It is okay. With nothing. Actually,
Why we waste our time and energy? Already it's past. Life is past. Breath is past. Time is past. Then why we are thinking at that time about the past? It's interesting. It's okay. It's an internal. It is an individual matter of your curiosity. It's okay. Nature of your prakriti. It is not compulsory for all, but maybe you like it, you follow it. A sharir mukin jawanu ke lain jawan. Mukin jawan. But our parivar to lain jawan hai. Lain jawan. Milkat, milkat to lain. Na, ya hamara wife ka shu lain gaya. Shu lain gaya. Abo tu. Hamara bhai to apni zindagi bahut calm and collected, koi shuddhatma. એટલે જીવન બહાર જીવીએ છે ને એ પરિણામ વાળું છે અને અંદરનું લાઈફ પુરુષાર્થ છે એ પુરુષાર્થ સાચો કરતા આવડે તો કામ થાય બહારના લાઈફમાં ગમે એટલી મહેનત કરશો કોઈ ફેર થવાનો નથી બીકોઝ ધ આઉટસાઇડ લાઈફ ઇઝ ટોટલી ડિસાઇડેડ ઇવન ધ લોર્ડ રામા લોર્ડ કૃષ્ણ ઓર લોર્ડ મહાવીરા They never change his outside circumstances because it is decided. And most of the people, they effort to change the outside and waste of time and energy. Then after they tire, they put in a tension and trouble. Okay? Outside change karva maage chhe, na thai bhai. મેં તો કેટલા બધાને જોયા છે હસબન્ડ વાઇફને ફેરવવા પ્રયત્ન કરે વાઇફ હસબન્ડને મા બાપ છોકરાને કરે ને છોકરાઓ મા બાપને કરે સાસુ વહુને કરે ને વહુ સાસુને કરે આપણને ખબર જ ના પડે કોણ કોને ફેરવે છે બધા એકબીજાને ફેરવવામાં જ પડ્યા છે પોતાને ફરવું નથી બીજાને જ ફેરવવા છે પોતે ફરી જાય તો પાર આપે ને આ ઊંધું જ્ઞાન છે બધું કેવું છે ઊંધું જ્ઞાન બીજાને ફેરવવા ગયા એમાં જ આપણી શક્તિઓ વેડફાઈ ગઈ શું કીધું જીવન આપણું આર્ય જીવન એ સાધના હતી શું હતી એ સુખનું સાધન નહોતું સાધના હતી પતિ ને પત્ની એમ બંને મુક્તિની સાધના કરવા માટે ભેગા થયા છે એમાં બંનેનો એકબીજાનો રોલ છે શું છે રોલ દેટ ઇઝ ધ આપણું આર્ય લાઈફ હતું એ સુખનું સાધન નહોતું દુઃખનું સાધન નહોતું સાધનાનું સાધન હતું એકબીજાને પૂરક એકબીજાને પૂરક સબ્જેક્ટ ટુ મોક્ષ સબ્જેક્ટ ટુ ભૌતિક સુખ નહીં આ આપણું મૂળ ગોલ હતું કાળ કમે બધું બદલાઈ ગયું એટલે મેરેજ લાઈફ ઇઝ ફોર હેપીનેસ ઓફકોર્સ યસ બટ રિયલ હેપીનેસ નોટ રિલેટિવ હેપીનેસ અને આ રિલેટિવ હેપીનેસમાં ગયા કુદરતે નથી બનાવી કઉ છું આપણે બનાવી છું કઈ માયા કુદરતે બનાવી દાખલો આપો મને આ પંખો બનાવ્યો તમે એક્સપ્લેન કરો છો તો તમારે કેવું પડે કે આ માયા કઈ કઈ બનાવી બોલો જેનું નામ માયા હોય પણ માયા તમે કોને કહો છો હું શું કહું છું તમે માયા કુદરતે બનાવી એનું એક્ઝામ્પલ આપો એ લોકોની એક ડોટરલો છે ને એનું નામ આવ્યા છે એટલે બધું આપણે જ બનાવ્યું છે સાહેબ ખાલી કુદરતનું નામ દઈએ છે કુદરત તો એટલી સરસ છે ને સાહેબ જો માનતા આવડે તો સાહેબ પણ આપણને માનતા નથી આવડતું એટલે આપણે જાતે જ આ
આપણે ઉભી કરેલી માયામાં ફસાયા છે. આ મકાન કોણે ઉભા કર્યા? આપણે. ગાડીઓ કોણે ઉભી કરી? આપણે. ઇલેક્ટ્રોનિક સાધન કોણે ઉભા કર્યા? આપણે. આ સોનું ચાંદી દાગીનો પૈસા કોણે ઉભા કર્યા? આપણે. ખ્યાલ આવે? બધું ઉભું આપણે કરીએ છીએ. કે છે કુદરતે કર્યું છે. ભૌતિક વસ્તુ બધી મેન મેડ છે, એ કુદરતે નથી બનાવી. મનુષ્ય પોતાની ફેસિલિટી માટે બનાવી. શેના માટે બનાવી? કુદરતે તો શું બનાવ્યું છે? હવા, પાણી અને વનસ્પતિ. શું બનાવ્યું? હવા, પાણી અને વનસ્પતિ. આ ત્રણમાંથી એકે વગર આપણાથી જીવાય નહીં. આ ત્રણમાંથી એકે વસ્તુ આપણે બનાવી શકીએ નહીં. સાચું ખોટું? આ ત્રણમાંથી એકે વસ્તુ વગર આપણે જીવી શકીએ નહીં. ના, ત્રણમાંથી એકે બનાવી શકીએ નહીં. અને જે બનાવીએ છીએ આપણે એઝ અ મેન મેડ, એ બધા વગર જીવી શકાય છે. યસ કે નો? મકાન વગર જીવી શકાય, પંખા વગર, આ સાધનો વગર જીવી શકાય, બધા વગર જીવી શકાય. હવા, પાણી, ખોરાક વગર ના જીવાય. અને એ આપણે ના બનાવી શકીએ. કુદરત જ બનાવે. આપણે એને પછી કુકિંગ ફોર્મમાં ચેન્જ કરીએ છીએ. પણ રો મટીરિયલ કોણ બનાવે? વનસ્પતિ કોણ બનાવે? આપણે બનાવીએ, મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય. આ બધા ફૂડ ગ્રેન કોણ બનાવે? મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય? કુદરત બનાવે છે. આપણે એનું ફોર્મેટ ચેન્જ કરીએ છીએ, કુકિંગ ફોર્મ. પણ મેકર કોણ છે? કુદરત છે. એટલે જેટલી વસ્તુ કુદરતે બનાવી છે એ નેસેસિટી કહેવાય. શું કહેવાય? અને મનુષ્ય જે બનાવ્યું છે એ બધી ફેસિલિટી કહેવાય. શું કહેવાય? અને આખું જગત ફેસિલિટીમાં ફસાયું છે. શેમાં ફસાયું છે? નેસેસિટીમાં નહીં. મારે તો આના વગર નહીં ચાલે તો શું થાય પછી? મોબાઈલ ફોન જોઈએ, મોબાઈલ ફોન જોઈએ, પાછો વાયરલેસ જોઈએ, વાઈફાઈ જોઈએ. એટલે કહેવાનો મતલબ આપણે કે આપણી જે જીવન જીવવાની હાલ જે સ્ટાઇલ છે ડ્યુ ટુ અવર સર્કમસ્ટાન્સીસ આર ટફ. બટ વાય વી ફીલ ટફ? બીકોઝ ઓફ ઇગ્નોરન્સ. તમે જેટલી વસ્તુનું વેલ્યુ આંકશો એટલું સફરિંગ વધારે છે. કુદરત તો તમને આપે છે, પણ તમે શું કામ વેલ્યુ આપો છો? સમજાય છે? આનું લાઈફ 60-70-80-90 વર્ષ છે, બરાબર છે. અને બાકીની બધી વસ્તુનું લાઈફ આના કરતા વધારે કે ઓછું હોય આપણા માટે? વધારે કે ઓછું હોય આપણા માટે? આની લાઈફ થી આને મળતી વસ્તુનું લાઈફ વધારે હોય કે ઓછું હોય? ઓછું જ હોય ને. સમજાય છે કે નહીં? એટલે આપણને ખબર જ છે કે જે વસ્તુ મળવાની છે તે જવાની છે, તે નક્કી. એનો મારા લાઈફની અંદર એનો અમુક જ ભાગ હોય, રાઈટ? એટલે આપણે અપેક્ષા રાખીએ કે બધું કાયમ માટે જ હોય ને કાયમ માટે જ રહે એવું બનવાનું નથી. એ આપણું એક્સપેક્ટેશન જ ખોટું છે. એ પોસિબલ જ નથી. માટે આપણે એક્સેપ્ટ કરવું જ પડશે કે નેસેસિટી, હે કુદરત, યુ પ્રોવાઈડ મી નેસેસિટી સો ધેટ આઈ કેન સર્વાઈવ ઇન ધીસ યુનિવર્સ. બટ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ રિક્વાયર ટુ મચ ફેસિલિટીઝ. ઇફ યુ ગીવ મી ટુ મચ ફેસિલિટી, માય ટોટલ બોડી બીકમ એ હેન્ડીકેપ. હેન્ડીકેપ થઈ જશે. સો બેટર વી રિક્વાયર ધ ઓનલી નેસેસિટી. સો ઇન અવર લાઈફ
we cannot create too much puzzle because our requirement is too small. Santosh na ho itu shukr. Santosh, or santoshi manas sada chuki. Santosh manas mo nahi ho tu jitla tum shukr. Pan santosh ni limit kon nakki kare? Ek hoy to be dvin, be hoy to char thai, char hoy to aath thai. Pan limit kon nakki kare? Pachi apne khasi jao. Pan ye kon kare? Limit kon nakki kare? गवर्नमेंट नक्की करे क्या भाई ने आटले संतोष कारण के पोते नक्की करे छे ने पोते ज बाउंड्री बदल्या करे छे ऊपर जाय त्या हुदी बाउंड्री बदल्या करे छे पहला जारे जन्म्या ने तारे खबर पड़ी के आ बधा तो 51 થાય ને એટલે મરવાની ડ્યુ ડેટ થઈ ગઈ કહેવાય એમને ખબર જ છે 51 એટલે જવાની તૈયારી એ વન માંથી બહાર નીકળ્યો તો બચ્યો That is the strategy before 50 years. 51 થી 58 માં જાય જ માણસ બચ્યો તો બચ્યો એવું પહેલા કહેવાતું હતું એટલે એ વખતે એવું લાગે કે આપણે વનમાંથી નીકળીએ ને તોય લકી પછી વનમાં નીકળ્યા પછી આપણને 70 થઈ ગયા તોય કે હજુ બીજો દસકો નીકળે તો સારું 80 થયા પછી એમ થાય કે બીજો દસકો નીકળે તો 90 થયા પછી કે બીજો દસકો નીકળો તો લિમિટ કોણ ક્રોસ કરે છે બોલતા નથી ઉપરવાળો કે આપણે અહીંયા લંડનમાં આવ્યા ત્યારે નક્કી કર્યું હતું કે ભાઈ આપણને ટોટલી હાફ અ મિલિયન પાઉન્ડ જેટલી મિલકત થઈ જાય આપણી ટોટલી ઇન્ક્લુડિંગ ઓલ સ્થાવર જંગમ તો વી આર હેપી એમાં રહેવાનું ઘર આવી ગયું ખાવા પીવાનું આવી ગયું કે આપણી થોડી મિલકત આવી ગઈ રનિંગ મિલકત વિથ ઓલ કાઇન્ડ ઓફ એસેસરીઝ એન્ડ એસેટ્સ પછી બધું ભેગું થઈ ગયું મકાન થઈ ગયું મકાન પેડ થઈ ગયું આપણા પોતાના નામે કાર થઈ ગઈ એ પણ પેડ થઈ ગઈ આપણને ખાવા પીવા માટેના પૈસાએ પૂરતા મળે છે ત્યાર પછી નક્કી કરે હવે આપણે આ નાનું ઘર પડે છે મોટું લો પહેલાં તો હાફ આ મિલિયનની ટોટલ એસેટ્સ હતી હવે કહે છે કે 1 મિલિયનનું તો ઘર લેવાનું બાઉન્ડ્રી તોડી પોતે જ બનાવેલી પોતે તોડી પછી 1 મિલિયનનું ઘર ના ચલાવવા માટે હાફ મિલિયનનું પૈસા જોઈએ મેન્ટેન કરવા માટે ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં પોતે જ નિયમિત બાઉન્ડ્રી તોડ્યા જ કરે છે બનાવે પોતે તોડે પોતે બનાવે પોતે તોડે પોતે બોલો હવે આની અંદર ક્યાં લિમિટ ક્યાં રહી આમાં સંતોષ રાખો પણ રાખો કઈ રીતે માણસની એક્સપેક્ટેશન ઇટ ઇઝ ટુ મચ શું થઈ ગયું સ્કાય ઇઝ ધ લિમિટ કારણ કે એની જે હેપીનેસ માટેની જે વિશ છે એ બધી બદલાયા જ કરે છે એની લિમિટો સુખની વ્યાખ્યા જ લોકોને ખબર નથી નિયતિ તમને પ્રોવાઈડ કરે છે હેઝ પર યોર કર્મ તમને હાફ મિલિયન આપે કે 5 મિલિયન આપે એ તમારી નિયતિ છે પણ તમારો ઇન્ટેન્શન જે બદલાયા કરે છે That is your individual weakness. And your weakness is continuous still your last breath. So you are always unsatisfied with current situation. Vartman sanjogone apne svikari sakta nathi. Body nahi understanding ni baat karu chun. બોડીને જે મળે છે એ બધું કમ્પલસરી છે ઇટ ઇઝ નોટ અ ચોઇસ ઓફ બોડી યા બટ અવર વિશ અવર ઇન્ટેન્શન યા અવર ઇન્ટેન્શન અવર ભાવ ઇઝ ઓલવેઝ ચેન્જેબલ સો ધ પર્સન ધે નેવર યા અનસેટિસ્ફાઈડ અપેક્ષા શું છે આટલું કામ થાય તો હું સુખી થઉં આ કામ થાય તો હું સુખી થઉં આ કામ થાય તો હું સુખી થઉં એટલે પણ અત્યારે ક્યાં દુઃખી છું
ना हम जाए मने नौकरी मरी जाओ तो I am happy नौकरी मरी जाए पची क्या अबे पगार मरी जाए बाजार है तो सारे पगार बाजार मरे क्या वो डेजिग्नेशन मरते हूँ पर जेठ है मैं सुखी रहना आजे पर है ने सुख अम्मे सासु करे से ठेलिया करे से आजे तू दुखी चु तो के दुखी नहीं पर सुखी नहीं क्या हम सुखी नहीं तो क्या आप वस्तु बाकी चल रहे ये था ये डिपेंडी के पहलू बाकी से तो तू प्रेजेंट में क्या रहता हूँ नहीं तेरे नेचर कैसे यू लिव इन अ प्रेजेंट यू आर ऑलवेज हैप्पी तू वर्तमान में रही सुखी छु पर तू वर्तमान ने अंदर भूतकाल ने याद करीन दुखी थाय छे क्या तो भविष्य ने याद करीन दुखी थाय छे दैट इज योर इग्नोरेंस दैट इज योर इंडिविजुअल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड दिस मिसअंडरस्टैंडिंग इज नॉट गिवन बाय द नेचर इट इज योर इंडिविजुअल अज्ञान ये तमारो व्यक्तिगत अज्ञान छे नहीं समझाय એટલે આ શરીરને સમજવું અને આત્માને સમજવો એ બહુ ટફ વસ્તુ છે સમજવું એટલે અંદર સ્વીકારવું આખી જિંદગી શરીર માટે જીવ્યા હોય અને પછી એમ લાગે કે હું આત્મા છું તો જરા અઘરું લાગે કરતા તો બરાબર છે કરતા છું માલિક છું ભોગવનારો છું એ બધું છું પણ એ બધું જે છું તે રિલેટિવ છે અને હું રિયલ છું તે અનુભવવાનું છે સેપરેશનને અનુભવવાનું છે રિલેટિવ વગર રિયલ હોય પરમેનન્ટ વગર ટેમ્પરરી હોય ચેતન વગર જળ હોય આ બાળી નાખીએ છીએ ચેતન કે જળ બાળી નાખીએ એને શું કહેવાય ચેતન કે જળ અને નીકળી જાય છે તે ચેતન તો આપણે જળ છે કે ચેતન છે આપણે જળ છે કે ચેતન છે આપણે જળ છે ચેતન છે અને જીવીએ છે જળ માટે આખી લાઈફની અવેરનેસ એનામાં છે જળમાં છે ઇગ્નોરન્સ છે આત્મા ના હોય તો બોડી હોય આત્મા ના હોય તો બોડી હોય આત્મા ના હોય સફરિંગ હોય આત્મા ના હોય સફરિંગ હોય આત્મા ના હોય તો હોય પહેલું વસ્તુ એ કે આત્મા ના હોય તો બોડી હોય બરાબર છે આત્મા ના હોય તો સફરિંગ હોય આત્મા ના હોય તો એસેટ્સ હોય આત્મા ના હોય તો રિલેશન હોય બધું શેના આધારે છે અને આખી લાઈફમાં આપણે આત્માની વેલ્યુ કરતા નથી જેના આધારે બધું છે વિધાઉટ સોલ નો બોડી વિધાઉટ સોલ નો રિલેશન વિધાઉટ સોલ નો એસેટ્સ વિધાઉટ સોલ નો ડિગ્રી વિધાઉટ સોલ નો લાઈફ સ્ટીલ વી ડોન્ટ નો ધ વેલ્યુ ઓફ સોલ જેમ આપણા ઘરની અંદર આટલા બધા ઇલેક્ટ્રિકલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે આપણે બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની વેલ્યુ કરશું કે ભાઈ ટીવી આ કંપનીનું છે એના આ ફીચર્સ છે એની આ પ્રાઇસ છે એની આ સ્પેશિયાલિટી છે એમ ઘરમાં ઇલેક્ટ્રિકલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ બધા જ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની આપણે વેલ્યુ કરશું ડિસ્ક્રાઇબ કરશું કોઈને આપણે કહીશું અધર પર્સનને બરાબર છે પણ ક્યારે આપણે પાવરની વેલ્યુ નહીં કરીએ એમ આઈ રાઈટ ઓર રોંગ અને પાવર વગર કાંઈ નથી પાવરને આધારે પ્રાણ કહેવાય નહીં તો ડેડ છે રાઈટ પણ જેના આધારે પ્રાણ છે એની વેલ્યુ કરતા જે મિકેનિકલ છે એની જ વેલ્યુ કરીએ છીએ બોડી ઇઝ ઓલ્સો ધ સેમ ઇટ્સ અ મિકેનિકલ હોલ બોડી એન્ડ હોલ લાઈફ ઇઝ મિકેનિકલ હેઝ પર અવર પ્રીવિયસ બર્થ કોઝ બટ ધ સોલ ઇઝ નોટ મિકેનિકલ બટ વી ડોન્ટ નો ધ સોલ બિકોઝ વી આર લિવિંગ ઇન અ મિકેનિકલ લાઈફ
So always we are in struggle, puzzle, suffering. Actually, puzzle, suffering and struggle is not our nature. But the body, they have a puzzle, they have a struggle, they have a suffering. And in our belief, I am a body, so everything with you. If you know that with your awareness, I am not body, I am a pure soul. And body is totally separate entity than me. Because of, at the end of the life, the people, they fire the body. But still I survive. Right? So, actually I am totally separate than my mind, speech and body. But this awareness is required in all kind of circumstances. Avi jagrati badha sanjo goma joye to kam nu chhe. Our knowledge nahi chale, awareness, it's required the awareness. Samjhaish? Pratna kar liye? Chalo. हे अंतर्यामी परमात्मा आप दरेक जीव मात्र मा विराजमान छो तेमज मारा मा पण विराजेला छो आपनु स्वरूप तेज मारु स्वरूप छे मारु स्वरूप शुद्ध आत्मा छे हे शुद्ध आत्मा भगवान हूँ आपने अभेद भावे अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छु अज्ञानताए करीने अजागृतिए करीने मारथी जे कई पण दोषो थया छे अने थाय छे सर्व दोषो ने आपनी समक्ष जाहिर करू छु तेनो हृदय पूर्वक खूब पछतावो करू छु अने आपनी पासे क्षमा प्रार्थु छु हे प्रभु मने क्षमा करो अने फरीथी आवा दोषो क्यारे पण न करू एवी आप मने शक्ति आपो हे शुद्धात्मा भगवान आप एवी कृपा करो के हमने भेदभाव छूटी जाए अने अभेद स्वरूप प्राप्त थाय हमें तमारा मा अभेद स्वरूपे तन्मयाकार रहिए जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद